हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीला स्टाइल एंड मैं हूँ शीला। सो आज मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो करने वाली हूँ, बट आज मैं कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट की रिव्यू नहीं देने वाली हूँ, आज मैं कुछ खाने की चीज़ों की देने वाली हूँ रिव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाती हूँ मैं आपको प्रोडक्ट। तो फर्स्ट मैं आपको चटनी दिखाती हूँ जो है चीन सेजवान चटनी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ इसे लेने के मतलब, तो ये ना हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन मैं इसे बाय करने की सोच रही थी, बट इसकी प्राइस है 80 रुपीज़ एंड शिपिंग चार्जेस है 100, तो इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। फिर अचानक से मेरे ससुराल की लोकल सिटी में ये आ गए, तो मैंने वहाँ से ये ले ली। तो अभी बताती हूँ इसे लेने की मतलब। तो बिग बॉस में देखती हूँ मैं, हमेशा बिग बॉस की बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड कौन कौन बिग बॉस की फ़ैन हो प्लीज़ कमेंट करना। तो वहाँ पर मैं हमेशा देखती हूँ इस चटनी को खाते हैं सब, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करूँगी। तो मैंने इसे खाया अभी, तो ट्रस्ट मी अगर नहीं खाए हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना, क्योंकि अगर आप इसे नहीं खाते हो तो ज़िंदगी में क्या खाओगी यार, इससे बेहतर चटनी कुछ भी नहीं है। सेजवान चटनी है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोवाइड है। तो यहाँ पर बेसिकली मेंशन है, तो यहाँ पर है वाटर जो कि होगी कॉमन बात है, एंड फिर इसमें सनफ्लावर ऑयल, शुगर, जिंजर, सॉल्ट, चिली, गार्लिक, ऑनियन, कॉर्न स्ट्रच फ्लावर, एंड है स्पाइसी पेपर, सेजवान पेपर, ओके, एंड सोया सॉस। यस, तो अभी मैं आपको बता दूँ ये पूरा चटनी डिपेंड करता है रेड चिली के ऊपर, बट नॉर्मल रेड चिली नहीं, जो कि हमारा कश्मीरी रेड चिली के ऊपर होता है, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेड चिली। तो नॉर्मल रेड चिली से अगर आप बनाओगी ना ये तो मर जाओगी, तो इसे ना आप घर पे भी बना सकते हो। रेड चिली को पहले पेस्ट कर लो, फिर बाद बाकी जो यहाँ पर दिखाए ना सारी इसके ऊपर डाल दो, देन ये हो जाएगी आराम से। तो यस, कश्मीरी रेड चिली ही यूज़ करना। तो ये गया सेजवान चटनी, इसकी टेस्ट क्या बताऊँ, मेनली है इसकी टेस्ट यार, ऑसम टेस्ट है इसका, आई जस्ट लव। तो चटनी को तो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ एंड मुझे टेस्ट बहुत बढ़िया लगा, एंड मैं आपको भी प्रेफर कर रही हूँ खाने के लिए, एक बार ट्राई करने के लिए। एंड नेक्स्ट मैं अभी खाने वाली हूँ जो आपके सामने बनाऊँगी फिर खाऊँगी। तो ये है चीन सीक्रेट सिंगापुर करी इंस्टेंट नूडल्स। तो इसे मैंने कभी भी नहीं ट्राई किया है, तो आज फर्स्ट मैं इसे ट्राई करूंगी एंड आप लोगों के सामने ही इसे बना के फिर खाऊंगी एंड रिव्यू दूंगी। तो चलो अभी ज़्यादा देर नहीं, जल्दी से जाते हैं किचन में एंड इसे पकाते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पर आ गया है मेरा चीन क्या था सिंगापुर करी इंस्टेंट नूडल्स। तो या ये रहा, हाय गरम गरम देखो अभी भी धुआं उठ रही है। तो अभी बता दूं ये ना 120 का है एंड छोटे पैक का सिर्फ 4 ही नूडल्स था, बट इतना प्राइस पता नहीं खास क्या है, एंड दिखने में तो मुझे मैगी की तरह ही लग रहा है, बस थोड़ा सा करी पत्ता का ट्विस्ट है इसमें। तो अभी चलो टेस्ट करके बताते हैं क्या इसमें इतना डिफरेंट क्या है यार। ओके, हियर्स द मैगी एंड मैगी चिंग नूडल्स। यस, इसका टेस्ट मैगी जैसा ही है, बस इसमें क्या है ना थोड़ा सा करी पत्ता का ट्विस्ट है, थोड़ा सा हल्का फ्लेवर आ रही है करी पत्ता का, अदरवाइज से सेम ही है खाने में। तो अभी चलो ना इसमें मैं थोड़ा सा चीन चटनी मिला के देखती हूँ, सेजवान चटनी। तो पहले लेके
तो ये रहा चटनी एंड बस थोड़ा सा ही मुझे लेना है, इतना सा। तो अभी मैं इसे मिक्स कर दूंगी नूडल। और कुछ हो या ना हो यार, चटनी की स्वाद ऑसम है, बहुत ज्यादा टेस्टी। आप इसे बर्गर के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत सारी चिली चिकन के साथ मिक्स्ड करके, यानी कि ग्रेवी की मिक्सरन में दे सकते हो इसे। तो अभी मैं इसे चटनी के साथ, ये देखो चटनी भी ली हूँ, एंड अभी खा के देखती हूँ कि कैसा फील होता है। ओके, बहुत टेस्टी है यार। अगर आप चटनी के साथ खाते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ा सा स्पाइसी है, बट सब लड़कियों को स्पाइसीनेस पसंद है। मुझे पहले नहीं था, बट अभी पसंद है मुझे भी। तो ये सर लस क्या बोल रही यार, आई जस्ट लव इट। एंड अभी मैं इसे बाद में खा लूँगी, यानी कि वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को इन्जॉय किया एंड हेल्पफुल लगा हो। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को एंड वीडियो को लाइक भी कर देना है।